वंदना खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई घर के बर्तनों पर निकाल रही थी। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे, ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती हैं, जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पर हिलाने से कौन सा शरीर खींच जाएगा इनका, सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रुक्मणी जी को बहू के बड़बड़ाने का गुस्सा नहीं था, लेकिन वो भी ठिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। वंदना एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इसी बीच जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर नहीं बैठ सकती। अनिकेत और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी से ये रिश्ता तय हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही वंदना का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन वंदना ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी, तो उसकी सास रुक्मिणी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको रुक्मिणी जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी साधी सरल पत्नी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का रुक्मिणी जी पर कोई असर नहीं हुआ, वो तो अपने जिद पर अड़ी थी। खैर, वंदना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो फिर वो कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। वंदना का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। वंदना की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो वंदना और बाकी घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से वंदना खींची हुई थी। ऑफिस से घर आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रुक्मिणी जी इन दिनों में सब्जियां काटकर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय वंदना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद वंदना के भाई की शादी भी तय हो गई। वंदना की होने वाली भाभी का भी नौकरी पेशा था। वंदना की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धर कर बैठ जाऊँ। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं, मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। वंदना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद वंदना भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, अपने शिड़शिड़ाहट निकालते हुए वंदना बोली। लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ, मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। कुछ दिनों में ही वंदना के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही वंदना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। वंदना की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी।
उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे वंदना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे उदासीनता में बदल रही थी। वंदना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब वंदना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कदर नहीं। अरे, मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? वंदना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझसे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे ही आवाज देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीबी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी। किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बढ़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का यह फैसला सही था कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी अक्कड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू में ही एक घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर वंदना निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमजोर हो गई है। वंदना की सास मुस्कुराते हुए बोली, किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। पता नहीं आज क्यों वंदना अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कम मिलता है। अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।